आपको भी पिगमेंटेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी स्किन पर भी ब्लैक स्पॉट्स ब्राउन स्पॉट्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं रश्मि। कैसे हो आप सब गाइस? आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत अमेजिंग सा फॉर्मूला जिसको फॉलो करके आप पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपकी स्किन पर हो रही है बहुत सारी झाइयां, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स ब्राउन स्पॉट्स, तो इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर जो झाइयां वगैरह पिगमेंटेशन वगैरह है वो लाइटन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मेरी तरह आलसी हो अपनी स्किन को लेकर तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रेगुलर अपनी स्किन पर कोई चीज प्रॉपरली फॉलो करते हो तब आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं रेमेडी कैसे बनानी है, कैसे फॉलो करनी है। चैनल बनाए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करोगे तो सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां, इन झाइयों से बचने के लिए ना हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी, लेकिन कभी हमने मुलेठी ट्राई की है? मुलेठी का पाउडर यहाँ मैं ले रही हूँ, यह है लिकोराइस पाउडर, ठीक है। मुलेठी का पाउडर जो कि आपने 1 टीस्पून लेना है वन टाइम के पैक को बनाने के लिए। मुलेठी जो है ना ये आपकी स्किन पर जितने मर्जी पुराने दाग धब्बे हों या फिर ब्राउन स्पॉट्स हों, ब्लैक हों या फिर पिगमेंटेशन जितनी मर्जी पुरानी हों, उसको हील करने में बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोज पेटल पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर। आप देसी गुलाब को क्रश करके भी इसके अंदर डाल सकते हो सुखा कर, यानी कि देसी गुलाब जो होता है इनका जो पाउडर होता है ये आपकी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को हील करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर लेना है कस्तूरी हल्दी यानी कि अंबा हल्दी। अंबा हल्दी तो बहुत खास होती है आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, स्किन को अच्छे से नरिश करने के लिए, हील करने के लिए। स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको कम करने के लिए अंबा हल्दी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो चलो हमने इन तीनों पाउडर्स को जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो गाइज इन तीनों पाउडर्स को आप जो है ना, मैंने ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है, आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना करना एक डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। और एयर टाइट होना चाहिए आपका डिब्बा, और जब भी आपने यूज़ करना हो तो आपने इस तरह से ले लेना है अपने फेस के हिसाब से, 1 टीस्पून ले लो या 1 स्पून भर के ले लो। और इसको लेकर आपने जो है ना फिर जो है इस्तेमाल में लाना, यानी कि जितना ये मैं बनाया दिखा रही हूँ ये सारा आपको इस्तेमाल में लाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है इसलिए कह रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करोगे तो आप जो है 1 टीस्पून या एक बड़े वाला चम्मच भर के ले लीजिएगा। फिर आपने इस पाउडर के अंदर जो है ना 1 स्पून लेमन जूस डालना है, नींबू का जूस, ठीक है। और आपने नेक्स्ट जो है इसके अंदर थोड़ा सा डालना है टमाटर का जूस। टमाटर को मैंने कट लगाया हुआ है और इसमें से थोड़ा सा जूस हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। लेमन जूस और टोमेटो जूस दोनों ही आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने में बहुत तेज़ी से काम करते हैं। अब हमने थोड़ा सा ऐड करना है इसमें रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, स्किन पिगमेंटेशन को दूर करने में ये बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो हमने अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ से टेक्स्चर का, एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का पैक रेडी कर लेना है जिसको आप इजीली अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सको। तो हमारा ये पैक जो है ये बनकर तैयार हो गया है गाइस। आपने अब इसको अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। यू कैन सी कि कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी का पैक बना है। आपने इसको अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है और 15-20 मिनट इसको लगाकर छोड़ दीजिएगा, फिर वॉश कीजिएगा। रेगुलर इस पैक को कम से कम 1 महीने तक 2 महीने तक लगाते रहो, जितनी भी पुरानी से पुरानी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी कम होने लगेंगी। और जिन लोगों की स्किन पर प्रॉब्लम थोड़ी कम है तो वो कम टाइम के लिए भी लगाएंगे तो उनको रिजल्ट जो है मिल जाएगा। और कुछ लोगों की जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है, कई सालों पुरानी होती है, तो उसको हील करने के लिए भी हमें कुछ महीने लगते ही हैं, ठीक है। तो आपने जो है इसको लगातार फॉलो करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस आई होप आपको आज का पिगमेंटेशन की होम रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है ना तो आप फटाफट से अभी घर पर बनाइए, इसको लगाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलूंगी आपको अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहो, स्टे एट होम, बी सेफ, बाय बाय।